साथियों, आपको पता है कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक जितना भी हमारा आंदोलन चला रहा था, हमारा महापुरुषों और महानायिकाओं ने सबको ये मनुवादियों ने खत्म करने के लिए समय समय पर उसका टारगेट किया था। आज हमारा जो बांसेप, बीएमएम एवं बहुजन क्रांति मोर्चा जो आंदोलन चला रहा है, सब जगह में हमारा बोलने का जो 19 आर्टिकल है उसको खत्म करने के लिए सारा दिन प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है ओडिशा में जो कलिंगनगर में जो हत्याकांड हुआ था कंपनी को जमी देने के लिए, इस जगह में हमारा आदिवासियों को शहीद होने के पड़ा था। यही जो गवर्नमेंट था वो हमारा 13 आदिवासियों को एनकाउंटर करके मार दिया था। वो मारने के बाद भी ये उसको उनका दिमाग शांत नहीं हुआ कि उनका जो पंजा था उसको काट के रखा, क्योंकि उनका आइडेंटिटी खत्म होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे हमारा आदिवासियों, हमारा मूल निवासी को माने खत्म करने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और एक बात होता है कि महानदी डैम जो बाबा साहेब का देन था, वो इतना दिन में हुआ था कि जो डैम के लिए हमारा साथियों का जो जमीन हड़प किया था, आज तक उनका कंपनसेशन मिला नहीं। वो आंदोलन आज तक भी चल रहा है। वो आंदोलन को दिन भर रात भर वो प्रयास करता है कि उसको ये जो नक्सल लड़ाई माओवादी का रूप देने के चाहते हैं। ऐसा हमारा जो बहुत सारे डैम हुआ है, आपको मालूम है ऐसा और ज्यादा भी डैम हुआ है इरिगेशन और पावर। कलाहांडी का इंद्रावती का नाम तो आप सुना है, ओडिशा का कोरापुट में जो बालूबेला डैम हुआ है, रेत डैम हुआ है, पतरा डैम हुआ है, ये सब बहुत डैम हुआ है। वो डैम में ये जो इरिगेशन एवं पावर के लिए हमारा आदमी का, हमारा मूल निवासियों का जो जमीन हड़प किया है, उस जमीन का कंपनसेशन आज तक भी मिला नहीं। वो भी आंदोलन चला रहा है, जितना भी आंदोलन चला रहे है उसको वो माओवादी का रूप देता है। जो कुछ कुछ भी कॉम्पेंसेशन मिलता है, कुछ लोग को तो कुछ नहीं मिलता, कुछ लोग को कुछ कुछ मिलता है, और कुछ आदमी को जो मिलता है वो जो मेडिएटर है, वो दलाल है, वो भी खा जाते हैं। ऐसे वो रात दिन हमारा आंदोलन चल रहा है। ऐसा वो दो तीन महीना पहले कोरापुट में हमारा जो एक गांव था, ये गांव पूरा आदिवासियों का गांव था, वो जो फॉरेस्ट एक्ट नाम देके वो हमारा एक गांव का पूरा आदिवासियों का बुलडोजर लेके रात में उसका घर को खत्म कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया। इतना भी नहीं, उनका जमीन में जो क्रॉप था, फ्रूटिंग क्रॉप था, उसको भी वो खत्म कर दिया। ऐसा किया, ऐसा बहुत सारे हैं। और भी एक है ढेंकानाल जिला, उड़ीसा में ढेंकानाल जिला में आपको तो महिमा धर्मी है। ये महिमा धर्म में दो गोष्ठी रहते हैं, एक है कौपिनधारी, बकलधारी। ये बकलधारी वो जो पेड़ का वो छाली को वो जो ये पिन पहनते हैं और एक धोती पहनते हैं, वो दो को बीच में वो लड़ाई दिया कि गंडगोल कर दिया, झगड़ा कर दिया। झगड़ा करने के बाद गवर्नमेंट से लाया और परमिशन लाके रात 2 बजे बुलडोजर लो के पूरा जितना भी टेम्पल था हमारा महिमा धर्मियों का, उसको भी खत्म कर दिया। ऐसा बहुत सारे होता है। और भी हमारा जो बहुत लोग है कि हमारा जो आदिवासियों का बहुत लोग जाते हैं बाहर, जाते हैं बाहर, जाते लेबर होकर जाते हैं, वो वहां कुछ दिन काम करने के बाद वो डेड बॉडी, वो मुर्दा होकर फिरते हैं। ऐसा बहुत सारे होता है, बहुत सारे हमारा प्रॉब्लम होता है। और भी एजुकेशन का भी हमें खत्म कर देता है। एजुकेशन क्या की संविधान में एजुकेशन का नाम है, अरे पाठ पढ़ने का अधिकार हमको दिया है संविधान, लेकिन कौन सा पाठ पढ़ेंगे उसका अधिकार हमको नहीं दिया। संविधान में जो मनुवादी में बैठा है वो जो तैयार करेगा वो हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ज्यादा जो पढ़ता है वो ब्राह्मणवादियों का शिकार होता है और ब्राह्मणवादियों चल जाता है।
ऐसा हमारा पास बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जितना भी हमारा प्रॉब्लम होता है ये हमारा रिजल्ट है, ये परिणाम है, ये कारण नहीं है। ये कारण क्या है कि कारण है मनोवादी व्यवस्था। ये मनोवादी व्यवस्था दिन भर रात भर कोशिश कर रहा है कि उसको कीमती कैसे उनका टाइम टैलेंट उनका दिल और दिमाग को खत्म किया जाएगा। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि अरे कुछ आदमी को कुछ टाइम के लिए गुलाम करना है तो उसका हाथ को पैर को बांध दे और उसको एक जगह में बैठा दे, वो गुलाम बन जाएगा। लेकिन वो जो गुलामी है उसको पूरा सारे जिंदगी भर बरकरार करना है तो उसका दिमाग को गुलाम बना दे और उसको भुखमरी से निकाल दे। उसका कारण है कि एक आदमी को खाने के रूटीन नहीं मिलेगा तो वो हमारा शिकार हो जाएगा। ऐसा मनोवादियों का विचार में दोनों होता है। इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग मनोवादियों का रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन रोटी और कपड़ा और मकान ये हमारा इनिशियल रिक्वायरमेंट नहीं, हमारा इनिशियल रिक्वायरमेंट है शिक्षा शासन और संपत्ति। जितना भी हमारा प्रॉब्लम है ये हमारा समस्या है लेकिन ये हमारा समाधान नहीं। समाधान क्या है? समाधान हो चाहिए गुलाम आजादी करना चाहिए। समस्या हमारा गुलामी और समाधान हमारा आजादी। आपको तो चार पांच बात बताया, ये हमारा समस्या है लेकिन ये समस्या का कारण है आज का मनोवादी व्यवस्था। और मनोवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमको संगठन चाहिए। और संगठन आज का दिन में हमारा जो संगठन है ये संगठन है हमारा बाम सेठ, और जिसका नेतृत्व माननीय बहुजन नायक माननीय बावन मेश्राम साहब कर रहा है। और आज हमारा ये जो भारत में जो दो व्यवस्था है, एक मनोवादी व्यवस्था और विचारधारा जो है हमारा फुले साहू अम्बेडकर व्यवस्था, ये व्यवस्था दोनों व्यवस्था वर्तमान आज का दिन में पूरा पैरालल हुआ है। इसीलिए हमको टाइम टैलेंट ट्रेजरी दे के हमको ये संगठन को मजबूत करना चाहिए। ये समाधान हमको पूरा आजादी के लिए एकमात्र समाधान है संगठन, एवं उसका समाधान है जन आंदोलन। आंदोलन क्या है और जन आंदोलन क्या है? कम आदमी एक संगठन आंदोलन करेगा तो ये आंदोलन होता है, और वो आंदोलन पूरा जन आंदोलन के लिए करना है तो बहुत आदमी एक जगह आता है। आंदोलन साहेब मेश्राम साहेब का टारगेट क्या है? कम से कम 3 करोड़ और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ लोग को लेकर हमको आंदोलन करना है। आंदोलन करने के लिए हमको टाइम टैलेंट ट्रेजरी देकर ह्यूमन रिसोर्स निर्माण करना है, और ह्यूमन रिसोर्स निर्माण करने के लिए हमको गांव-गांव को जाना पड़ेगा और गांव-गांव को जाके ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़ना पड़ेगा। हमको कैसा जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जोड़ने के लिए हमारा जो विचारधारा है साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा गांव-गांव लेकर हमको जाना है, और हमारा आदमी को हमारा समस्या क्या है उसको बुझाना पड़ेगा। बुझाने के बाद वो हमारा साथ जुड़ेगा। जितना आदमी हमारा साथ जुड़ेगा इतना हमारा आंदोलन तेज होगा। और हमारे समय का प्रावधान है, जितना जल्दी हमारा आदमी बढ़ेगा लोग बढ़ेगा, जितना लोग हमको 15 करोड़ लोग आएगा तो हमारा आंदोलन सफल होगा। वो सब आंदोलन सफल होने के लिए 5 चीज चाहिए, बुद्धि पैसा हुनर समय श्रम। और जो एक भी बात है, जो व्यक्ति साधन संधान निर्माण नहीं कर सकता वो बांझ है। इसीलिए हमारा सब लोग सब एक्टिविस्ट गांव-गांव को जाके वो 5 चीज देना पड़ेगा, टाइम टैलेंट ट्रेजरी हुनर समय श्रम। एक कैसा आएगा? वो बाबा साहेब ने कहा कि आपको कम से कम 5% 20% ऑफ योर टाइम टैलेंट ट्रेजरी समाज को देना पड़ेगा। ए भाई, आप जो बोल रहे हैं कि मैं अधिकारी हूं, मैं ये हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, नो। आपका मम्मी को कोई रास्ता में रैप करेगा तो आप कह सकता है कि मैं ऑफिसर हूं? लो, संविधान ऐसे हमारा मां है, उसको जो छीनेगा उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। ये जो भी हो,
और लास्ट में मुझे चिट मिला है कि मैं आपको दो बात हाथ जोड़ के आपको विनम्र करता हूं। हाँ, तो मनीष जैसे जीना है तो दो आज का दिन में दो चीज आपको करना चाहिए। एक, यू रिमूव ईवीएम, अरे ईवीएम को हटाना है और संविधान को बचाना है तो हमको हमारा आजादी मिलेगा। ऐसे कह के मैं आपको मैं मेरे बात को विराम देता हूँ। मुझे मंच कुछ कहने के लिए इजाजत दिया, इसलिए आभार हूँ, धन्यवाद।